परिषद हुई, इसमें मुमरा में 50 करोड़ रुपया दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 50 फोक के एकदम ओके करके दिए गए हैं। मुमरा में ये कब तक चलेगा, ये पार्सल का सिलसिला? एक पार्सल 15 साल से हमारे यहाँ बैठी हुई है और दूसरा पार्सल अभी आने के चक्कर में है, तो ये पार्सल का सिलसिला मुमरा में कब ख़त्म होगा? मुमरा के पास लोकल कोई कैंडिडेट है ही नहीं क्या? मैं आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से और अजीत दादा पवार से दरख्वास्त करने वाला हूँ कि हमको लोकल कैंडिडेट दो, हमको पार्सल नहीं चाहिए, हम थक गए पार्सल से। कहाँ जाएंगे हम लोग, मुमरा वाले कहाँ जाएंगे? इनके घरों के नीचे दो दो चार चार घंटा इंतज़ार करते बैठेंगे क्या कि मुमरा के अवाम इनके अपनी समस्या लेके थाना जाएगी या राबोड़ी जाएगी? कहाँ जाएंगे? हमको नहीं चाहिए वो 50 करोड़ रुपया। हमको विकास होगा गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, यहाँ 50 करोड़ देके फिर वही चाल जो 15 साल से चल रही है, तो दूसरा कैंडिडेट वैसे ही 15 साल से चाल चलेगा। तो मैं मुमरा वाले से भी दरख्वास्त करूँगा और खासकर शिंदे साहब से, अजीत दादा पवार से, कि हमको लोकल उम्मीदवार दो जो लोकल का हमारे काम आ सके और लोकल लोगों के काम आ सके, ऐसा उम्मीदवार हमको दो। हमको पार्सल उम्मीदवार नहीं चाहिए। और मुमरा वाले अगले इलेक्शन में इस बात का खास ख्याल रखो कि कोई भी पार्टी का हो, लोकल उम्मीदवार होना चाहिए, लोकल उम्मीदवार को जिता के लाओ।